अभी मैं यहाँ लेटी हुई थी और ये यहाँ पे है, मतलब जस्ट मेरे तकिए के पीछे। कितने बजे? 11:30। टाइम का हमेशा मेरा रहता ही है। तो वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। और अभी हम है अपने किचन में, द किचन में, क्योंकि मेरे पास दो ही चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि 24 आवर्स इन बालकनी या फिर किचन। तो मैंने कहा कि यार चलो पहले किचन कर लेते हैं, ये ज्यादा सही है। लेकिन मैंने तो ये सोच के किया था कि ईजी हो जाएगा, बट आज मुझे किचन चैलेंज करना था। आज ही बारिश आनी थी, मेरे किचन में सीलन हो रही है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ऊपर से यहाँ से पानी टपक रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एक और चीज, मेरे को बहुत ज्यादा कमेंट आए थे कि निशु दी आप तो फोन लेके बैठती हो, आप तो लैपटॉप लेके बैठती हो, बहुत आसान हो जाता है। और ये भी कमेंट आया था कि निशु दी प्लीज आप विदाउट फोन 24 आवर करो। तो मैंने सोचा यार ये ज्यादा अलग सा हो जाएगा, इसलिए मैं दोनों चीज आज ही करूंगी। मैं बिना फोन के, बिना लैपटॉप के, बिना किसी गैजेट के 24 आवर इन किचन रहने वाली, मतलब ये दो चैलेंज एक साथ, पता नहीं कैसे होने वाला है। ओके चलो अभी सामान लेके आते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस मैंने अपना बिस्तर लगा लिया है और थोड़ा बहुत अपना सामान मैंने यहाँ पे रख लिया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे जरूरी कीमती सामान मेरे जीवन का, मेरा मेकअप। मैं एक टाइम के लिए खाना खाए बिना रह सकती हूँ, बट मेकअप के बिना No. मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? तो यहाँ पे मैंने अपना बैग रख लिया है, मास्क रख लिया है, जिसका कोई सेंस नहीं है, बट मैंने इसलिए रख लिया है क्योंकि तुम लोगों ने कहा था गैजेट्स नहीं रखने, तो मोबाइल वगैरह है नहीं, मैं अपना टाइम पास अपने सामान से करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं बहुत सारी मस्ती करूंगी, तुम लोगों को देखना पड़ेगा और मेरे को झेलना पड़ेगा। तो अब मेरे दिन की शुरुआत और मेरे चैलेंज की शुरुआत हो चुकी है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को अपना एक रूल बता देती हूँ। देखो मैं इस 24 घंटे में से सिर्फ और सिर्फ एक बार सिसु करने जा सकती हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। बिकॉज इतनी सी छूट तो देखो इस गरीब को मिलनी चाहिए। तो अभी हम लोग सब कुछ सेटअप वेटअप कर चुके हैं, मेरी मूवी का सेटअप लगा हुआ है यहाँ। तो क्या करें, सबसे पहले मेरी दिन की कैसे शुरुआत होगी, चाय से। तो मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, और चाय का बर्तन भी गंदा है, तो पहले इस बर्तन को धो लेते हैं। मैं दिखाऊंगी नहीं, मुझे शर्म आती है। चाय बनाना, घर का झाड़ू पोछा, बर्तन कटका, घर की सफाई सब मैं खुद करती हूँ। तो ऐसे डाउट मत किया करो मेरे ऊपर, आता है यार, मैं एक अच्छी बीवी धर्मपत्नी बन सकती हूँ। ये देखो दिमाग, देखो अभी बोला था जस्ट मैंने कि मैं एक अच्छी बीवी धर्मपत्नी बन सकती हूँ और घर का सारा काम करती हूँ, बट चाय में चीनी की जगह नमक निकालती हूँ डालने के लिए। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। तो गाइस यार देखो बात ऐसी सी है, चाय वाय तो हो गया, देखो पूरा दिन किचन में रहना है, ऊपर से कुछ भी नहीं है करने के लिए। मैं अब रोल प्ले करूंगी, मैं रोल प्ले करूंगी एक बहू का थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ लंच करने, और लंच में क्या भेजा है आंटी ने, टिफिन वाली आंटी ने, वो पन्नी खोलने के बाद ही पता चलेगा। ए बहू तो ऐसे बात नहीं कहती है, बहू पता कैसे बात करती है, बहू बात करती है सिंपल भाषा में। रुको टेक टू। तो अब हम जा रहे हैं अपना भोजन करने, हमें देखना पड़ेगा कि आज खाने में क्या आया है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ऐसी बहू अगर मैं बन जाऊं तो मैं अपने पति को 2 महीने में तलाक दे दूंगी। देखो कुछ करने के लिए नहीं है, एक पापड़ वो कर लेती हूँ, पापड़ मुझे पसंद है खाना, दैट्स व्हाई। पापड़ टूट गया है, मैं बहुत मेहनती हूँ यार। ओए ओए। कसम से मैं यार सच बता रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, आज शायद कैमरा ऑन है, दैट्स व्हाई ऐसा हुआ है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। देखो अगर तुम इसके बाद भी मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे सच्चे आशिक हो, तो तुम मेरे सच्चे फैंस हो, ठीक है। अगर तुम मेरे को इस हरकत पे जज नहीं करोगे तो। मस्त खाना खा के अभी लेटे हैं, दोपहर का भोजन करे हैं और सोच रहे हैं कि क्या करें, नींद भी आ रही है नहीं भी आ रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? और
ढाबे में अभी सो रही थी और लेकिन इस बिल के अंदर वो चूहा है, वो मुझे सोने नहीं दे रहा। मतलब इतना ज़्यादा इरिटेट कर दिया मेरे को, इतना डर लगता है एक तो क्योंकि वो मुंह पे आके ना बैठ जाए। उसके बाद ये देखो चू 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 कर रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो अंदर बैठा हुआ है, ये देखो ये क्या कर रहा है ये पता है। अभी मैं यहाँ लेटी हुई थी और ये यहाँ पे है, मतलब जस्ट मेरे तकिए के पीछे। अगर ये छत गिर गई तो मेरे पैसों का क्या होगा? डोरेमोन के जेब में इतना सारा सामान कौन रखता है? और वो जब पॉटी करता है तो वो सामान रखता कहाँ होगा? मेरी सहेली के एक साल में दो बच्चे कैसे हुए? 6 महीने में एक, 7 महीने में या 12 महीने 2? इससे अच्छा गैस की जगह टीवी रख लिया होता किचन में। तो गाइस आप पूरा टाइम ऐसे बैठे 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 मेरा सर बिल्कुल भुकभुका गया और मैं अत वाली बोर हो चुकी हूँ, बिकॉज मेरे पास कुछ भी नहीं है यार। वैसे तो बस उससे क्या ना टाइम कहाँ चले जाता है, और आज ऐसे लग रहा है यार ये टाइम क्यों नहीं जा रहा है। तो मैंने सोचा कि अब भूख का भी टाइम लग रहा है, भूख तो क्या ही, बैठी हुई हूँ, खाने की चीजें अगल बगल दिख रही है तो बस ललचा रही हूँ और कुछ नहीं, बट बोर हो रही हूँ। तो अब मैं करने जा रही हूँ एक एक्सपेरिमेंट। किसके साथ? मैगी के साथ। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। क्योंकि मैंने देखा था एक वीडियो में कि कोई दूध एंड ऑल शक्कर वक्कर डाल के मैगी में, तो मैं मैगी की बनाने वाली हूँ खीर। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो कैसी बनेगी और कैसे बनेगी वो मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट जानलेवा हो, पर सावधान रहे, सतर्क रहे और ये घर पे करने का प्रयास बिल्कुल ना करे, क्योंकि आपको आपकी मम्मी से फ्लाइंग चप्पल भी पड़ सकती है। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है। चलिए इस बदनामी की राह को शुरू करते हैं और थोड़ा और बेचना होते हैं। अरे भाई भाई भाई, 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 भाई। यार मुझे आता है काम, ये मेरे साथ पता नहीं क्यों हो जाता है यार। आयुष, यस, आप ये टेस्ट करने के लिए रेडी हो? नहीं। पक्का? ये दिल से तो आवाज आ रही है भाई, मत खा। मतलब आपके दिल से आवाज आ रही है? हाँ, कह रहा है दिल की मत खा बेटे, मत खा। चलो टेस्ट करके बताओ ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया ये कैसा है। ये तो टट्टी है। जो नमकीन और मीठा दोनों होता है, हाँ। वैसा लग रहा है। तो गाइस आयुष ने ये टेस्ट कर लिया है एंड नाउ अपनी की हुई गलती को भुगतने का टाइम मेरा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं इसे खाने के बाद ना कम से कम महीने भर तक मैगी तो नहीं खाने वाली, मतलब मेरा मैगी से ही मन सा अजीब सा हो गया। पर इसका टेस्ट बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा। तो गाइस अब मुझे आइए बहुत तेज के सुसु, और मैंने पहले ही बोला था चैलेंज शुरू होने से पहले कि आज मुझे एक छोटी सी छूट मिलेगी, वो कि मैं 24 घंटे में सिर्फ एक बार सुसु जा सकती हूँ करने। तो मैं जा रही हूँ, बस भाग मिलखा। तो गाइस अब मैं जाऊंगी सोने के लिए, बट उससे पहले एक बहुत जरूरी काम है, और वो काम ये है कि मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ रिमूव। तो गर्मी लगेगी, ऊपर से चीटी वीटी और छुआ वहाँ आ गया ना, तो मेरी हालत हो जाएगी टाइट। अब मैं जा रही हूँ सोने। बाय, गुड नाइट गाइस, सुबह मिलेंगे आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 11 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट बाकी है। तो मैं सो के अभी उठ चुकी हूँ और चैलेंज ख़त्म होने में अभी बस आधा पौना घंटा है। तो अभी उठ के चाय वाय बनाऊँगी, फ्रेश अप होंगी, तब तक ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपने चैलेंज को एंजॉय किया हो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो क्या करना है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ कमेंट करके फीडबैक। सॉरी,
प्लीज कमेंट करके फीडबैक दे देना कि आपको कैसा लगा और मैं नेक्स्ट चैलेंज क्या बनाऊं।